टेम्परामेंट इज अ थिंग विच विल हेल्प यू टू हैंडल एनी सिचुएशन। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, तो बख्तियार खलजी की। देखिए जज्बा किसको कहते हैं और जज्बा के क्या परिणाम होते हैं, मैं टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया, 1191 में पहली तराइन की लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज चौहान से हार गया। 1192 में उसने दूसरी तराइन की लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज चौहान को हराया, दिल्ली पर उसका कब्जा, दिल्ली और अजमेर पर। 1194 में आया, चंदावर का युद्ध लड़ा, जयचंद खत्म, और अब तुर्कों का कब्जा गजनी से वाराणसी तक। अब तुर्कों का कब्जा 1194 मोहम्मद गौरी। फिर वो 1194 के बाद, चंदावर के बाद बाहर हिंदुस्तान का कमांड उसने अपने कमांडरों के ऊपर छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इंद्रप्रस्थ में बैठा हुआ था और बनारस में उसका सेनापति था बख्तियार खलजी। तो बख्तियार खलजी ने कहा, यार बनारस में खाली बैठे हैं और जरा आगे देखें क्या है। आगे निकले सब, आगे निकले, बिहार में कोई था नहीं, नालंदा मिला उनको। नालंदा में योग ध्यान यही सब बातें चल रही थी, उन्हें समझ में नहीं आया, उसे उन्होंने मिटाया, जलाया, आगे बढ़े कि और देखें आगे क्या है। आगे गए तो बंगाल, बड़ा समृद्ध प्रदेश, वहां पे एक शासक था लक्ष्मण सिंह बंगाल में। जज्बा, जज्बा की कहानी सुनिए, टेम्परामेंट क्या क्या करता है। तो ये मुश्किल से 700-800 लोग थे, बंगाल राज्य 800 लोग। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया, बख्तियार खलजी ने एक प्लान बनाया और उस प्लान में सिर्फ 18 लोग शामिल हुए, 18। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, पढ़िएगा, क्रॉस चेक करिएगा इस कहानी को, 18। बख्तियार खलजी ने प्लान बनाया और उस कहानी में सिर्फ 18 लोग शामिल थे। और प्लान यह था कि 8 लोग घोड़े के व्यापारी बनकर लक्ष्मण सेन के दरबार में जाएंगे। उस समय अरब से व्यापारी आते ही थे, वो कोई नई बात थी नहीं। और 10 लोग दरबार के बाहर खड़े होंगे और दरबार से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये 700-800 लोग होंगे, 18। खतरा बड़ा था सर, गेम बड़ा था, 18 लोग और ये 8 लोग अंदर पहुंचे घोड़े के व्यापारी बनकर, और उसी बातचीत में लोगों ने हथियार निकाल लिया। 5-6 लोग तलवार चलाने लगे, 3-4 लोग दलवार जी की तरफ पलट गए कि सलीम को बुलाओ, सलमान को बुलाओ। और लक्ष्मण सेन से जाके किसी ने कहा कि सर बाहर तो पूरी तुर्की सेना खड़ी है। और लक्ष्मण सेन पीछे के दरवाजे से भाग गया और 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, 18। बाद में पता चला पीछे कुछ था ही नहीं, यह है जज्बा। सब में नहीं होता, सब में नहीं होता, इसीलिए बाकी लोगों को उत्साह की जरूरत पड़ती है। जज्बा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राणा प्रताप, हिस्ट्री में उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं। दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर जज्बे का है तो भगत सिंह। भगत सिंह को सर, वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर। राणा प्रताप के पास डेलीगेशन गया, भगवान दास, बीरबल और 2-3 लोग और गए, कह रहे सारे राजा महाराजा अकबर से दोस्ती कर रहे हैं और आप जो है फालतू में बैठे हुए इस तरह से, और करना क्या है, दो ही काम करना है, सजदा करना है, पैबोस करना है। वो हिंदुस्तान के शहंशाह, बोले हम भी हैं। तो अकबर बहुत समझदार बुद्धिमान तो था ही, उसने एक ब्राह्मण से फरमान पढ़वाया अपना, क्योंकि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता था। तो राणा ने कहा, अच्छा है कि तुमने फरमान पढ़ा, किसी और ने पढ़ा होता तो यहीं दफन कर दी होते, लड़ेंगे। बाबर अपनी जीवनी में लिखता है
कि मैंने अपनी पूरे युद्ध के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। जज्बा है सर, हार और जीत तो एक अलग चीज है सर, जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में।